फायरिंग चली। सर इस किस मामले में अपराधी लोग गिरफ्तार किया गया? पिछले कुछ महीनों में डकैती तथा गृह भेदन की कुछ घटनाएं हुई थी, खास करके सीतामढ़ी टाउन से लगे हुए क्षेत्र में एक गैंग कुछ दिन पहले लगभग 15-20 दिन पहले पकड़ा गया था, जिसमें मुख्य रूप से नेपाल के कई सारे अपराधकर्मी शामिल थे। उसमें भी काफ़ी अच्छी सफलता हासिल की गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो सही सीतामढ़ी टाउन के से लगे हुए कुछ क्षेत्र भाजपट्टी थाना का हो गया या सुरसंड थाना का हो गया, वहाँ पे डकैती की कुछ घटनाएं हुई, जिसको लेकर के SDPO पुपी की अध्यक्षता में टीम गठित की गई थी और कांड का उद्भेदन करने और अपराध कर्मियों को गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिया गया था। इसी क्रम में हम लोग टेक्निकल सर्विलेंस भी कर रहे थे, मैनुअल इनपुट भी लिया जा रहा था। उसी क्रम में कल शाम में एक सूचना प्राप्त हुई कि जो घटना में शामिल अपराधकर्मी है उसमें से कुछ अपराधकर्मी भासेपुर के पास में इकट्ठा हुआ है, उस पर छापामारी के लिए DIU की टीम बाजपट्टी थाना प्रभारी डूंगा थाना प्रभारी और SDPO उपी महोदय को भेजा गया, जिसमें छापामारी करके इन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। जो 10 अपराधकर्मी वहाँ से गिरफ्तार किया गया, उनके पास से देसी कट्टा और गोली भी बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में उन लोग के पास से चरस भी बरामद हुआ और उन लोगों ने जो पिछले दिनों घटनाएं हुई हैं उसमें संलिप्तता स्वीकार की। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि सुरसंड बाजार के दो सुनाए हैं जिनके यहाँ वो लोग सामान खपाने का कार्य करते हैं, तो उनके यहाँ भी छापामारी करके उनके पास से भी कुछ लूटा गया, ज्वेलरी को बरामद किया गया। कुछ ज्वेलरी हैं जो कि उनके द्वारा गला के पिंड के फॉर्म में रखा गया था, उसे भी बरामद किया गया। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। जो अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से कुल लगभग 3 KG के आसपास चरस बरामद हुआ है, लगभग 2 किलो चांदी बरामद हुआ है, कुछ चांदी के सिक्के बरामद हुए हैं और एक देसी कट्टा कुछ जो इन लोग के द्वारा कई बार ये लोग खाली घर को टारगेट करते हैं जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है, तो उस में आवेदन करने का प्रयास करते हैं कि आवेदन करके सामान इत्यादि निकालते हैं, तो उसके लिए ये लोग खंती इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, वो भी इन लोग के पास से बरामद किया गया है। जो अपराधकर्मी है उनका अपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। एक अपराधी शिवशंकर सानी है, इनका लंबा अपराधिक इतिहास रहा है। इनके द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया कि 23 बार ये जेल भी जा चुके हैं और UP के एक कांड में लगभग 12 करोड़ की चोरी ये पहले कर चुके हैं। यहाँ के भी इनके विरुद्ध कई सारे कांड दर्ज हैं। इन लोग ने पूछताछ के क्रम में दरभंगा और मधुबनी में भी कुछ घटना कायद करने की बात स्वीकार की है, जिसके बारे में हम लोग